कई लोगों ने कहा कि बीजेपी भी पलटवार की तैयारी में है, अभी ये सारे नेता सपा में जा रहे हैं तो बीजेपी भी कुछ बड़े नामों को जल्द शामिल करवाएगी। मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा का नाम, क्या अपर्णा आपकी पार्टी से संपर्क में है? मुलायम सिंह यादव जी के पास आप गए थे आशीर्वाद लेने, क्या बातचीत हुई थी? विनेबिलिटी का बड़ा जिक्र होता है आपके यहाँ के साहब, जीतने की क्षमता, और उस चक्कर में 2017 में खूब आपने दूसरी पार्टियों के लोग लिए, अब सब जा रहे हैं छोड़ के और कह रहे हैं कि आप लोग पिछड़ा विरोधी हैं, तो अब क्या हुआ सामाजिक न्याय का? परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार, आरटीओ का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, आपको लगता है आपने बतौर मंत्री इस क्षेत्र में कोई काम किया? पॉलिटिकल सम्मान की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, आपके लखीमपुर खीरी से नेता हैं, सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, आपका बयान है नेतागिरी का मतलब ये नहीं कि किसी को लूटने या फॉर्चूनर से कुचलने आए। लोगों ने कहा कि स्वतंत्र देव जी अपनी छवि अब हिंदुत्ववादी नेता की भी बनाने चाहते हैं, इसलिए बयान में औरंगजेब मियां जान, कम से कम कानून को तो काम करने दो, आप दरोगा पीटेंगे, पुलिस को पीटेंगे, आप पता लगे ट्रांसफर कर, शासन में तो दरोगाओं ने जाके गोरखपुर में मार दिया होटल के अंदर। सब ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी में टिकट वितरण का फॉर्मूला क्या है। ये आप पत्रकारों का कभी स्वागत कर देते हैं, कभी पत्रकारों से कह देते हैं कि स्नेह बना रहे, फिर वो ट्रोल होते हैं।